तो दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू सर की अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है सरकारु बारी पाता। दोस्तों सरकारु बारी पाता फिल्म की जो अनाउंसमेंट है वो आज से लगभग एक साल पहले की गई थी और हमें पता चला था कि सरकारु बारी पाता फिल्म में हमें महेश बाबू सर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इस फिल्म की लीडिंग लेडी होने वाली हैं कृति सुरेश और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं परशुराम। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि आज फाइनली इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है। और दोस्तों जहां पिछले दो दिनों से तेलुगु की लगभग 10 से ज्यादा फिल्मों की जो रिलीज डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है, तो ऐसे में सरकारु बारी पाता फिल्म की जो रिलीज डेट है वो अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट रखी गई है वो रखी गई है संक्रांति 2022। जी हाँ दोस्तों यह फिल्म हमें संक्रांति 2022 में देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी यह सिर्फ इस फिल्म की रिलीज डेट ही कंफर्म हुई है, यह पता नहीं चला है कि यह फिल्म तेलुगु में ही आएगी या इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। जी हां दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी या इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन में ही रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको क्या है, लगता है यह फिल्म पैन इंडिया रिलीज होनी चाहिए या सिर्फ तेलुगु वर्जन में? और दोस्तों महेश बाबू उन एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अभी तक अपनी किसी भी फिल्म को पैन इंडिया रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी काफी तगड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करें। जी हां दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नाडा में एक साथ रिलीज करवाई जाए। दोस्तों इस बारे में आपका क्या है कहना, हमें प्रिय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।